शहर के केंद्रीय विद्यालय ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक रोमांचक स्कूल ट्रिप का आयोजन किया। इस यात्रा में शामिल थे अजीत, सोना, राकेश, पायल और उनके साथ चार शिक्षक, श्री शर्मा, मिस रेखा, मिस्टर सेन और मिस कविता। पहला दिन आनंद और उत्साह से भरा हुआ था। छात्रों ने जंगल की हरियाली, पशु पक्षियों की चहचहाहट और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया। पर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वातावरण में अजीब सी दहशत छाने लगी। दूसरी रात जब सभी खंडहर के अंदर आराम कर रहे थे, तो अचानक अजीत ने देखा कि खंडहर की दीवारों पर छायाएं अजीब अजीब आकार ले रही हैं। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, जो रात की खामोशी को चीरती हुई आई। शिक्षकों ने तुरंत छात्रों को इकट्ठा किया और सभी को सुरक्षित रखने की कोशिश की, पर यह डरावनी रात अभी शुरू ही हुई थी। धीरे धीरे एक एक करके छात्र गायब होने लगे। पहला गायब होने वाला छात्र था राकेश। उसकी खोज में निकले मिस्टर सेन को खंडहर के एक कोने में बेहोश पाया गया। उनके शरीर पर अजीब निशान थे, जो किसी जानवर के नहीं बल्कि किसी अज्ञात शक्ति के होने का संकेत दे रहे थे। रात का अंधेरा और घना हो गया। पायल और सोना भी गायब हो गई। अब सिर्फ अजीत और बाकी के तीन शिक्षक बचे थे। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे खंडहर को छोड़कर वापस लौट जाएं। परंतु जैसे ही वे बाहर जाने का रास्ता खोजने लगे, खंडहर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खंडहर के भीतर अब भयानक आवाजें गूंजने लगी। अजीत ने देखा कि दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभर रही हैं। वह समझ गया कि यह खंडहर किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में है। अजीत और शिक्षकों ने मिलकर एक अंतिम प्रयास किया और खंडहर की दीवार को तोड़ने की कोशिश की, परंतु हर प्रयास असफल रहा। अचानक एक तेज रोशनी आई और वे सब बेहोश हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ जब अजीत की आंखें खुली, तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके आसपास शिक्षकों और गायब हुए छात्रों का कोई अतापता नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि क्या यह सब एक बुरा सपना था या फिर जंगल की खौफनाक यात्रा की सच्चाई। आज भी अजीत उस रात को याद करके सिहर उठता है। वह जानता है कि उस खंडहर में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। जंगल की खौफनाक यात्रा एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा।